अब हम लोग लंदन नहीं जा रहे हैं, अब हम लोग जाएंगे ह्यूस्टन 7th हमें अवार्ड्स के लिए। सैटरडे को 5th ऑफ अक्टूबर पे हो रहे हैं एट एनर्जी एरिना। आप इतनी देर में टिकट बुक कराएं, मैं अरसल को कॉल करूंगा। जब मुझे जरूरत होगी मैं आपसे मांग लूंगी। बस अमानत है तुम्हारी, समझो मेरे पास। कितनी अजीब लड़की हो तुम, इतनी बड़ी रकम अपने ससुर के हाथ में थमा रही हो। इनको तो मैंने कभी अपना ससुर समझा ही नहीं। जोनिया को नीचे भेज देना। सुनो, मैंने तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। जब मैंने आपको अपॉइंट किया था तो आप काफी कॉन्फिडेंट थी, लेकिन आप यस सर नो सर की गिरदान। लेकिन कल मुझे बहुत ही कॉन्फिडेंट और स्मार्ट लड़की नजर आनी चाहिए। तो ये कौन सी नई बात है? ये शादी के दिनों में हस्बैंड जो होते हैं शुरू शुरू में ऐसे ही करते हैं। क्यों मैं बेगम, हमने भी ऐसे ही कुछ किया था ना शुरू के दिनों में। क्या कहानियां बनाना तो कोई आपसे सीखे। आपने कभी जिंदगी में मेरे कोई चोंचले नहीं उठाए, खामोखा अंबर के सामने बातें बना रहे हैं। वरना सुनो, ये तुम रात को इस वक्त कहां जा रही हो? मेरी दोस्त की पार्टी है, वहां जा रही हूं। तो ठीक है जाओ, वैसे भी तुम्हें कौन रोक सकता है, लेकिन अगर पहले बता देती तो अच्छा था। अरसल को मैं बता चुकी थी और इतना बहुत है मेरे लिए। मेरी गाड़ी आ गई है, तो बदतमीज लड़की है, पता नहीं इसका क्या होगा। तो तैयार हो गई मैं, लेकिन असद कहाँ रहे? क्या शेरीना वेट कर रही होगी, डिनर का वादा किया हुआ उससे। फोन की बैटरी भी अभी डेड होने की, क्या करूं? यहाँ तो कोई मैकेनिक भी नहीं दिख रहा है, क्या करूं, कहाँ जाऊं? बस थैंक यू। एक बात कहूँ आपसे? है? आप वादा करें आप किसी जज नहीं करेंगी, आप बुरा नहीं मानेंगी? नहीं। जिंदगी बहुत खूबसूरत लगने लगती है जब आपका साथ मेरे साथ होता है, कसम से ऐसे ही कह रहा हूँ। मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। मैं तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि उसने मेरे लिए बेहतरीन इंतखाब किया। आपको पता है जैद, हम इंसान कितने नादान होते हैं,
कभी कभार जो फैसले हमारे हक में नहीं होते हम अल्लाह ताला से उसका गिला करते हैं, रोते हैं, खफा होते हैं और फिर एक दिन पता चलता है कि वो फैसला हमारी भलाई में ही था। बेशक अल्लाह ताला जो कुछ करते हैं वो बेहतर होता है, और अगर मेरे केस में देखा जाए, मुझे देखें या फिर आपको देखें, तो मेरे लिए तो बेहतरीन किया है। एक सेकंड, सॉरी। हेलो, हाय मैम। कब से तैयार होके बैठी हूँ उसका कुछ पता ही नहीं है, पता नहीं कहाँ चला गया है। जब जाना नहीं था तो मुझे बोल देता। अच्छा मजाक किया तुम्हें मेरे साथ, किसी को मेरे जज्बात की कोई परवाह ही नहीं है, कोई परवाह नहीं है मेरे जज्बात की किसी को। नहीं 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 नहीं, वो पुराना जो ब्राउन रंग का, नहीं ब्लैक ले लो। हाँ हाँ हाँ, चले यहाँ से। चले जाओ, चले जाओ। नहीं ठीक नहीं है। अब क्या हुआ, अच्छा से ठीक है? नहीं ठीक नहीं है अब। ऑर्डर कर दिया था खाना, फिर मैं मना करता हूँ। एक्सक्यूज, रहने दीजिए, फिर पता नहीं कितनी देर में आएगा, क्या टाइम हो गया है। अच्छा क्या, मैं पूछता हूँ। एक्सक्यूज, ये सोनिया जी किसके साथ है? मैं नहीं जानती। वो पूछता हूँ, पूछने तो दीजिए। कमर देना, तमाशा बन जाएगा, आप रहने देना, मैं खुद बात कर लूंगी उससे घर पर जाकर। तमाशा तो बना रही है वो, खुदा ना खास्ता किसी ने देख लिया तो हमारे घर की सब तो क्या रहेगा। पता नहीं अरसल को बताकर भी आई है या नहीं। बेगैरत नहीं है अरसल, बताया होता तो कभी नहीं आने देता। जैद हम चलते हैं, इसे चलें। उसे जाके पूछते हैं। जैद का तमाशा बना रही है। देखिए तो सही। मैं बाद में बात करती हूँ ना उससे। क्या हो गया शरीना, क्या हालत बना रखी है तुमने? ये तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैंने क्या हाल बना के रखा है? I'm sorry, गाड़ी खराब हो गई थी यार। गाड़ी खराब हो गई थी और मोबाइल की बैटरी भी खत्म हो गई थी। हाँ, I'm sure तुम कॉल कर रही होगी, फोन नहीं मिल रहा होगा। ऐसी अजीब जगह गाड़ी खराब हुई कि ना कोई मैकेनिक मिल रहा था, ना कहीं फोन चार्ज कर सकता था। पता नहीं यार, अजीब इत्तेफाक हुआ है आज। ये सारे अजीब इत्तेफाक तुम्हारे साथ क्यों होते हैं? बोलो, जवाब दो ना, अब सारे जवाब खत्म हो गए तुम्हारे पास। बोलो, खामोश क्यों? से कह रहा हूं ना, गाड़ी ऐसी जगह खराब हुई कि कोई मैकेनिक नहीं मिल रहा था, और जब कोई मैकेनिक मिला तो गाड़ी सही होने में टाइम लग गया यार। मैं जानता हूं कि हम लोगों को डिनर पे जाना था और नहीं जा सकते, अब लेट हो गया, इसीलिए मैं खाना साथ ले आया।
जहर है, दे दो मुझे, खा लूंगी मैं। पता नहीं तुम जैसे झूठे और घटिया मकार इंसान से मेरी जान कब छुटेगी। तुम्हें क्या लग रहा है यार, मैं झूठ बोल रहा हूँ? 100% झूठ बोल रहे हो, और तुम्हारी बहने ना वो भी ड्रामा क्वीन है, झूठी है वो दोनों तुम्हारे तरह। अरे बहने कहाँ से आ गई बीच में? बहने कहाँ से आ गई? अरे मेरी खुशियों की दुश्मन है वो, जलती है मुझसे, वो चाहती नहीं है मैं खुश रहूं। इस मैटर में मेरी बहनों का क्या ताल्लुक? क्या ताल्लुक है? बात की होगी तुमने उनसे, भड़काया होगा उन्होंने तुम्हें मेरे खिलाफ, जब तो आज हमारा डिनर का प्लान कैंसिल हुआ है। मैंने किसी से कोई बात नहीं की, किसी से कोई बात नहीं हुई मेरी। तुमसे कोई बात नहीं करनी। शरीना ये क्या तरीका है? खाना भी खुद ही खा लो अकेले। शरीना क्या बकवास है? मैं आपसे कह रही हूं ना, परेशान मत हो। अच्छा मैं फोन करती हूँ जूनिया को। क्या मुसीबत है? तुम किन लोगों के साथ बैठी थी? ज्यादा तमाशे करने की जरूरत नहीं है, घर पहुंचो फिर बात करते। और मैं बिजी हूँ, फोन नहीं करना बार बार। मेरी बात तो किसका फोन था? इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, फर्दर डिटेल हम इस पर बात कर सकते हैं। जैद वो घर पहुंचेगी तो बात कर लेंगे ना, आप परेशान नहीं हो अभी। जैद सर बहुत देर हो गई है, क्या आप मुझे घर ड्रॉप कर देंगे प्लीज? मिस जूनिया अभी सिर्फ 10 बजे हैं और हमने डिस्कशन भी कंप्लीट नहीं किया, क्या ख्याल इस मीटिंग को खत्म कर लेना पहले? लगता है मिस जूनिया घबरा रही हैं। नहीं नहीं, ये इनकी जॉब का हिस्सा, वैसे भी मीटिंग के बाद ऑफिस की गाड़ी ने घर छोड़ दी, तो परेशानी की क्या बात है। लेकिन ये रास्ता मेरे घर पर नहीं जाता। जी मैं जानता हूं, मुझे रास्ते में एक छोटा सा काम है, वो कर लूं फिर आपको छोड़ दूंगा। अगर आप बुरा ना माने तो पहले मुझे घर छोड़ दें। आप क्यों परेशान हो रही हैं? जब आपसे वादा किया है कि आपको आपके घर छोड़ेंगे तो छोड़ देंगे। आए दुनिया, ये कौन सी जगह है? घर है मेरा, हमारी मीटिंग इनकम्प्लीट थी, मीटिंग भी पूरी कर लेते हैं और थोड़ा सा आराम भी कर लेते हैं। आओ
मैं अंदर नहीं जाऊंगी। तुम शराफत से आ रही हो या मैं जबरदस्ती करूं? मैंने कहा मैं अंदर नहीं जाऊंगी। अंदर आओ। सुबह ऑफिस तो आएगी ना, देखता हूं कैसे बचती है उससे। सलाम बाबा। वालेकुम सलाम। सोनिया को लेके नहीं आया तुम? बाबा आते, मैं काम से आ रहा हूँ। सोनिया ऊपर नहीं? अपने किसी दोस्त की पार्टी में गई है, गाड़ी लेने आई थी उन्हें। घर की बहू बेटियों के तौर तरीके ये अच्छे नहीं होते। अगर उसने कहीं आना जाना हो तो तुम पिक एंड ड्रॉप दिया करो उसे। जी बाबा। हाँ जोनी। हर्षल, मैं अब मैं एक जगह पर हूँ। ठीक है, आ रहा हूँ। भैया तुम देखते हो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ अकेले क्यों बैठी हो सोनिया? तुम सोनिया, उन्हें मुझसे बात करो। क्या हो गया तुम्हें? तुम यहाँ अकेले क्यों बैठी हो? क्या हो गया है? मुझे इस तक सोनिया, सच बता, हुआ क्या? मैं बोलो। मैं अपने बॉस के साथ ऑफिशियल डिनर पे गई थी। अरे कहा था ना, इस तरह के स्टूपिड डिनर पे जाओगी तो ऐसे ही होगा तुम्हारे साथ। क्यों? तो मना भी किया था मत जाना, तो फिर क्यों गई तुम? पछताओ। तुमसे पूछती तो तुम मना कर देते। जाहिर सी बात है, कोई रीजन है लेकिन मना करता। सोनिया,
तुम्हें कुछ ख्याल नहीं कि तुम्हारे शोहर के साथ क्या हो, तुम्हारे खानदान पे क्या बीते, बस जो दिमाग में आना वो करना है, बस उस वक्त करना है। जाहिर सी बात है, नतीजा यही होगा ना फिर। बोलो, तुमने बता तुम्हारे साथ हुआ क्या, किसी ने तुम्हारे साथ क्या किया? मैं सच सच अभी बताओ फौरन। मेरे बॉस ने कहा था कि हम ऑफिशियल डिनर पे जाएंगे, उसके बाद मैं आपको आपके घर ड्रॉप कर दूंगा, लेकिन वो मुझे अपने घर ले गए थे। मुझे गड़बड़ लगी इसलिए मैं वहां से भाग निकली। कोई अकल नहीं है तुम्हारे पास, मतलब बिल्कुल तुम सोचती ही नहीं कि कोई तुम्हें कहीं भी मिला के तुम चली जाओगी, बस बस यही है। I'm really sorry. मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था, अगर मुझे पता होता तो मैं नहीं जाती, मैं मना कर देती, मैं दोबारा नहीं जाऊंगी, I promise. आज के बाद मुझसे पूछे बगैर कहीं गई ना, जल्दी सोनिया। तो रुको, काफी है अब आप, ये अपने दोस्त के घर पार्टी में गई थी। झूठ नहीं सुनना है मुझे, इसका हुलिया बता रहे कि कहानी क्या है। कैसी बातें कर रहे हैं बाबा, ऐसी ऐसी कोई बात नहीं। तुम बताओगे ना? मैं सच कह रहा हूं बाबा, इसको उसके इसकी दोस्त के घर से पिक किया है। मेरा ख्याल है तुम लोग जाओ, सुबह बात करेंगे तुमसे। पर हाँ, जॉब पे जाने की अब कोई जरूरत नहीं है, ऐसी जॉब करने से बेहतर है कि घर में रहे आदमी। सुन लिया? तुम कब तक इस तरह रोती रहोगी? सिर्फ रोगी है, मुझे बताओगी भी कि हुआ क्या है? आई नीड टू नो। सोनिया प्लीज, अरे तुम बोलोगी नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा कि हुआ क्या है? प्लीज नाउ। असल में क्या सोनिया, बोलो अभी। अरसल मेरा मेरा
मेरा बॉस अच्छा आदमी नहीं नहीं है। क्या किया उसने तुम? तो तुमने हाथ लगाया ना, उसका हाथ तोड़ दूंगा इस बार। बोलो। सुन, उसकी रातें अच्छी नहीं है। बताओ ना उसने किया क्या है? What has he done? वो चाहती नहीं है। तुम सीधी पागल हो तुम? You stupid, stupid girl. और मुझे तुम्हें भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। मैंने भला किया था तो उस धंधे के साथ डिनर पे नहीं जाओगे? नहीं क्यों? क्या सोच रही थी तुम? मुझसे पूछ लेती तो ये जैद और ईशा सुनेंगे। मैं चुप हो जाऊंगा। अभी सुनने तो उनको फाड़ देंगे सारे। मैं चाहता हूँ सारी दुनिया सुने ये सब कुछ। पागल हो तुम? यू अंडरस्टैंड? अगर तुम मेरे से इजाजत ले लेती तो ये ना होता। मैं सब सारी दुनिया को तोड़ फोड़ दूंगा, समझी तुम? सब कुछ तोड़ दूंगा मैं, सब कुछ तोड़ दूंगा। मेरी बात तो सुन, प्लीज चुप हो जाओ। मैं कुछ दूर हो जाओ मुझे, डावे मैं कुछ नहीं। मुझे लगता है रसूल को पता चल गया, इसीलिए चिल्ला रहा है। तो बात ही ऐसी है, अच्छा है उसे डांटे ताकि उसकी अकल ठिकाने आ जाए। तो पहले क्यों इतनी छूट दे रखी थी उसने? अब उसके रोकने से नहीं रोकेगी वो। हर्षल ही उसे रोक सकता है अब तो। मुझे एक बात बताइए, जरूरत क्या है नौकरी करने की? सीधा सीधा घर बैठे ना। क्या आपको मेरा भी नौकरी करना पसंद नहीं? मैंने आपको ऐसा कब कहा? मैं हरगिज ऐसा धकियानुसी सोच वाला मर्द नहीं हूँ, लेकिन हर औरत में फर्क होता है। जिस औरत को अपनी लिमिटेशन का पता होता है उसे कोई नहीं रोकता। आप काम से 3 घंटे लेट भी आएंगी ना तो मेरे जहन में कभी ये सवाल नहीं आएगा कि आप लेट क्यों आई। माफी चाहता हूँ, आप में और जोनिया में बहुत फर्क है। क्या चुप हो जाओ? मैं आज तक मेरा मूड है कि मैं सारे कमरे को तोड़ फोड़ दूंगा। दूर हो जाओ मुझसे। स्टॉप इट। मैं तुम्हें इजाजत दी थी, इसका ये मतलब नहीं कि तुम सारी आधे पार करके निकल जाओ। तुम जानती हो तुमने किया क्या है? तुम्हें थोड़ा सा भी अंदाजा तुमने किया क्या है? तुमसे माफी मांगती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। तुमसे माफी मांग रही हूँ अर्सल, मुझे माफ कर दो। अब क्या होगा माफी से? अब माफी मांगने का क्या फायदा? गलती मेरी थी, मैंने कम अकल लड़की से शादी की। इसको ना अपनी इज्जत का ख्याल है और ना मेरी। तुम्हें तो अपने माँ बाप की इज्जत का भी कोई ख्याल नहीं था। जिशान की पार्टी में अपने पेरेंट्स से झूठ बोल के आई थी ना? आई थी ना? तभी सोच लेना चाहिए था कि अपने माँ बाप से झूठ बोल सकती है, वो अपने शौहर का क्या सोचेगी? अर्सल? क्या अर्सल? क्या अर्सल? बहुत आसान है तुम्हारे लिए सब ना, बहुत आसान है। मेरी आंखों में आंखें डाल के देखो और मुझे सच बताओ कि मैं गलत कह रहा हूं, क्या मैं झूठ बोल रहा हूं तुमसे? बोलो। तुम पुरानी बातों को क्यों दोहरा रहे हो? उस सब में मेरा कसूर तो नहीं था ना? सारा इल्जाम तुम मुझे क्यों दे रहे हो? नहीं, कोई गलती नहीं थी। तो मेरा भी कसूर है, जाहिर सी बात है। कसूर तो मेरा ही है, सारा कसूर मेरा है। तुमसे शादी करनी ही नहीं चाहिए। मैंने सोचा ही नहीं कि 3 साल तक मेरा ईशा के साथ निकाह हुआ था। 3 साल उसके बाद भी उसने जिशान की पार्टी पे जाने से इनकार कर दिया था और तुमने फौरन हाँ कर दी थी। फौरन
मुझे उस वक्त ख्याल होना चाहिए था कि तुम किस तरह की लड़की हो। मुझे उस वक्त सोच लेना चाहिए था कि कभी आगे नहीं चल सकते। मुझे माफ कर दो, तुमसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो और भूल जाओ सब कुछ। मुझे एक बार माफ कर दो बस, उस गलती की सजा आज मुझे मिल गई है, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे बार बार बचा लिया और उसने भी मुझे माफ कर दिया। मैं जानती हूँ कि मेरी बहुत बड़ी गलती थी, लेकिन इंसान अपने गुनाह कभी नहीं भूलता, अपनी गलतियों को कभी नहीं भूल पाता। मुझे माफ कर दो, तुमसे माफी मांगती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो। जैद, मेरा ख्याल है कि मुझे जाना चाहिए, अर्सल का गुस्सा तो खत्म ही नहीं हो रहा, मैं जाऊं क्या? नहीं, आपको जाने की कोई जरूरत नहीं, उनका आपसी मामला है, और आज की डांट के बाद ठीक हो जाएगी सोनिया। अल्लाह करे ऐसा ही हो। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा, फिक्र मत करें। देखिए इंशा, इंसान को ऐसे छोटे मोटे झटके लगते रहना चाहिए, जब इंसान को इस बात का एहसास हो जाता है ना, वो आजाद है तो कुछ भी करता फिरता है। कुछ भी हो, अल्लाह करे सब ठीक हो जाए। सब ठीक हो जाएगा, जो हो रहा है बिल्कुल ठीक हो रहा है। आपकी बहन है, लेकिन अच्छा जो अरसल, मुझे माफ कर दो, बहुत बड़ी गलती हो गई अरसल, जैसी जिद्दी और लापरवाह लड़की के लिए ये झटका बहुत जरूरी था, बहुत जरूरी। लेकिन आज के बाद मुझे सब कुछ समझ आ गया, इस एक रात ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है अरसल, बहुत कुछ। बाबा और अम्मी मुझे समझाते समझाते इस दुनिया से चले गए, कि मुझे कभी समझ नहीं आई ईशा ने कितना समझाया, लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी। मैंने अपनी जिंदगी को एक खेल और एक तमाशा समझ रखा था, जिसको जीतने के लिए मेरी नजर में सब कुछ जायज था, सब कुछ। इस रात ने मुझे मात दी है बहुत बुरी, मुझे माफ कर दो। क्यों इतनी गई गुजरी हूं कि जिसका जिसका जो दिल चाहेगा मेरे साथ करके चला जाएगा और मैं कुछ भी नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं। शुक्र है तुम्हें थोड़ी समझ तो आई। हादसे के बारे में, लेकिन मैं अपनी गलती की माफी सबसे मांगूंगी अरसल, सबसे, और ईशा से भी माफी मांगूंगी, क्योंकि कि सबसे ज्यादा तंग मैंने उसी को किया है, सबसे ज्यादा दिल मैंने उसी का दुखाया है। तुम खुद को बदलना वादा कर लिया, सिर्फ मुझे ठीक है, उल्टी सीधी हरकतें रोकनी पड़ेगी। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो अरसल, मैं बिल्कुल चेंज हो जाऊंगी, से तुम एक नई जोनिया को देखोगे, मैं तुमसे वादा करती हूँ। यही हम दोनों के हाथ में बेहतर होगा। ठीक है, अब से तुम एक नई जोनिया को देखोगे, बिल्कुल मुख्तलिफ जोनिया को। देखते अपनी बात पे कब तक कायम रहती है। खुदा के लिए अरसल, खुदा के लिए अब ये तंज करना बंद कर दो।
मैं खुद को बदलना चाहती हूँ हमारे खातिर, तुम्हारे खातिर, खुद के खातिर, और तुम मुझे तंज कर रहे हो। प्लीज अब ये तंज बंद कर दो, प्लीज। बदलने की तुम्हें भी जरूरत है अर्श से। तुम बदल जाओ, मैं भी बदल जाऊंगा। माफ कर दो। पता है ईशा, कल अम्मी बता रही थी कि रात में जब जोनिया और अर्शद भाई वापस आए तो जोनिया बहुत परेशान थी। हो सकता है दोनों की कोई लड़ाई हुई हो, अक्सर तो आपस में लड़ते रहते हैं। नहीं ईशा, मुझे ना कोई और ही बात लग रही है। कल जोनिया ना अपनी किसी दोस्त की पार्टी में गई थी, फिर अर्शद भाई को पता नहीं क्या हुआ, अचानक उठे उसे लेने चले गए, और जब दोनों घर वापस आए ना तो जोनिया भी बहुत अजीब सी लग रही थी। मुझे पता क्या लग रहा है, ये दोनों हमसे कुछ छुपा रहे हैं, बता नहीं रहे हम। हमसे छुपा रहे हैं तो क्या हुआ, अर्शद को तो बताकर ही गई होगी ना, जहां भी गई होगी। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हाँ, बहुत ताबेदार बीवी है ना, बता के गई होगी। अंबर, मैं सोच रही हूँ क्या शॉपिंग पर चलते हैं, बस ये लंच रेडी कर लें तो बाहर चलते हैं, ताकि संडे का कुछ तो फायदा हो हमें। हाँ, तो बहुत अच्छा आइडिया है। वैसे ही मेल लिस्ट तो ना हमेशा तैयार रहती है। बस ठीक है, जल्दी से अंकल को पहले नाश्ता करवा देते हैं और फिर लंच रेडी कर देते हैं। हेलो डायना। वालेकुम अस्सलाम। हैरत है, आज इतनी जल्दी तुम किस तरह उठ गई? खैरियत तो है ना? मैंने आप लोगों का बहुत दिल दुखाया है, मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ और आप लोगों से माफी भी मांगना चाहती हूँ। सबके साथ साथ आप लोगों को भी बहुत तंग किया है, बहुत ज्यादा। अपने आपको बदलना चाहती हूँ। आप लोगों को ईशा की तरह बनके दिखाऊंगी। खैर, इस बात को तो तुम रह नहीं दो, ईशा की तरह तो तुम कभी नहीं बन सकती। लगिया नु दिल ही जाने, लगिया नु दिल ही जाने।